गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम प्रांशी रस्तोगी। टुडे वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज़ की वेल डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए जो हमें एक्वायर्ड करती है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है। फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर एक प्रोफेशन में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंट्रीज होती है, मतलब आप अगर कोई भी प्रोफेशन में जाओगे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही प्रोफेशन में भी बहुत सारे एग्ज़ाम लिए जाते हैं एजुकेशनल डिग्री के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल डिग्री पे। फिर प्रोफेशन एसोसिएशन है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है क्या है कि ऑल द प्रोफेशन आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट एंट्री, ग्रांट्स सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट एंड इन्फोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। कह रहा है कि हर एक एसोसिएशन होता है प्रोफेशनल जिससे एफिलिएट करते हैं हम लोग, रेगुलेट करते हैं एंट्रीज, बहुत सारे लोग उससे हम लोग इंटर कर मैनेजमेंट में करवा सकते हैं इंडिविजुअल को, गारंट करते सर्टिफिकेट, बहुत सारे एग्ज़ाम होते तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्फोर्स करते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब हर एक उसका क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, गाइडलाइंस होती है, उसी के अकॉर्डिंग लोग मैनेजमेंट प्रोसेस करते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में क्या होता है, हर एक कोड एंड कंडक्ट से काम होता है। जैसे सुबह आप लोग आते हो तो क्या होती है, प्रेयर होती है, फिर पीरियड स्टार्ट होते हैं सारे, वैसे ही कोड एंड कंडक्ट होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी। फिर सर्विस मोटिव, जो बेसिक मोटिव होता है किसी प्रोफेशन का वो सर्विस मोटिव होता है, मतलब द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज़ टू सर्व देयर क्लाइंट इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेशन एंड कमिटेड सर्विसेज। बहुत सारे सर्विस में बहुत सारे मोटिव भी होते हैं, अलग अलग हर जगह के मोटिव्स होते हैं। अब देखा जाए तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तीन पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला होता है टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल या सुपरवाइज मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एक्सक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारे कंसिस्ट अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन होते हैं, सीनियर मोस्ट एक्सक्यूटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लाइक चेयरमैन, चीफ एक्सक्यूटिव, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। दीज टॉप लेवल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं इसमें बहुत सारे कंसिस्ट करते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, जैसे कि चेयरमैन और ये सब, और इनका जो मेन पर्पज़ होता है, दिस टॉप लेवल मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए होती है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी काम वेलफेयर का होता है उसके लिए होते हैं, वेलफेयर वर्क करते हैं और सर्वाइवल करते हैं, मतलब कि देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इस वर्क पर सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं। फिर दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल फॉर देयर अचीवमेंट, और वे फॉर्मुलेट करते हैं हर चीज़ को, फॉर्मुलेट करते हैं क्या चीज़ देखते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है अचीव। अगर नहीं हो पा रहा होगा अचीव तो यही लोग जो टॉप मैनेजमेंट है यही पूरा वेलफेयर करेंगे, फिर से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फिर आया मिडिल मैनेजमेंट में क्या होता है कि दे लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल मैनेजर। ये किससे लिंक करते हैं, टॉप और लोअर लेवल मैनेजर से लिंक करते हैं। दे आर सबऑर्डिनेट होते हैं किसके, टॉप मैनेजर के सबऑर्डिनेट होते हैं। मिडिल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो मिडिल मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग के लिए एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। ये क्या करता है, इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि इम्प्लीमेंट करना एंड कंट्रोल करना, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना और कैसे कंट्रोल करना है प्लान को, जो डेवलप किसने किया है, टॉप मैनेजमेंट ने किया है। उसके बाद आते हैं ऑपरेशनल और सुपरवाइजर मैनेजमेंट। सुपरवाइज़र क्या होता है, सुपरवाइज़र जो होते हैं डायरेक्टली ओवरसी करते हैं द एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स। जो सुपरवाइज़र होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली
वो लोग डायरेक्ट देखते किसको ओवरसी करते, एफर्ट देखते वर्कफोर्स का सही काम कर रहा है कि नहीं। मतलब सुपरवाइज़र का तो काम यही होता है ना, सुपरवाइज करना कि पीपल्स अच्छे से जो उनके एम्प्लॉय वो काम कर रहे हैं कि नहीं। दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, वो इंटरेक्ट करते किससे, एक्चुअल वर्कफोर्स से, एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजर टू द वर्कर। और वो पास भी करते हैं इंस्ट्रक्शन किसको, मिडिल मैनेजर को, कि वर्कर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि वर्कफोर्स अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, वो मिडिल मैनेजर को पहुँचाते हैं। और मिडिल मैनेजर किसको पहुँचाता है, टॉप, क्योंकि वो क्या करता है, लिंक है किसके बीच में, दो लोगों के लोअर और टॉप के बीच में लिंक कौन करता है, मिडिल मैनेजर। ठीक, अब आया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। फर्स्ट अगर देखा जाए, कोई भी मैनेजमेंट अगर आपको मैनेज करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपको प्लान करनी है, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो प्लान करोगे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फिर प्लान को ऑर्गेनाइजिंग करोगे कि जो प्लान किए थे उसको कैसे कैसे किस तरह से पूरा करना है, फिर स्टाफिंग, मतलब राइट पर्सन होना चाहिए कि कौन जो काम कर पाता है उसके अंदर कैपेबिलिटी, उसको वही काम दिया जाए, डायरेक्ट करना कि कैसे कैसे काम करना, और फिर कंट्रोल करना कि कोई लीनियंसी ना हो वर्क में। अब मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसको देखो, प्लानिंग क्या होता है, इज़ द प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू बी डन। इसका ये मतलब होता है कि कौन काम करेगा और कैसे काम करेगा, व्हाट इज़ टू बी डन मतलब कैसे किया जाए, और हु इज़ टू बी डन इसको कौन करेगा किस तरह से, कंट्रोल। उसके बाद आता है प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटी और ग्रुप टास्क। इसमें जो होता है ऑर्गेनाइजिंग में कि असाइन करा जाता है ड्यूटी, जब प्लान कर ली तो फिर असाइन करेंगे ड्यूटी, जो जो मतलब कर पाएगा उसको उसको वो ड्यूटी असाइन की जाएगी, और ग्रुप टास्क अगर होगा तो वो भी असाइन किया जाएगा कि ग्रुप में टास्क करना है। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, इज़ फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसमें होता है कि राइट पीपल को सर्च किया जाता है फॉर अ राइट जॉब। इससे क्या होगा कि जो हमने प्लान सोचा था जितनी देर में, अगर हम राइट पर्सन को देंगे तो वो उतनी ही टाइम में, स्पेसिफिक टाइम लिमिट में वो काम कर देगा। अगर हम किसी अननोन को देंगे जिसको काम ही नहीं आता तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो मैनेजमेंट वर्क बिगड़ता जाएगा। इसीलिए राइट पर्सन होना चाहिए राइट जॉब के लिए। फिर डायरेक्ट करना है। डायरेक्टिंग में क्या होगा, जब हमने स्टाफ को दे दिया काम कि ये राइट पर्सन है इसको काम करना चाहिए, तो फिर हम डायरेक्ट करेंगे उसको लीडर की तरह लीड करेंगे कैसे करना है, इन्फ्लुएंस करेंगे कि, और मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि कैसे वर्क जल्दी करें। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है कंट्रोलिंग। लास्ट कंट्रोलिंग में क्या होता है, जब हम लोग डायरेक्ट कर दी, सबको मोटिवेट कर दी, इन्फ्लुएंस कर दी, उसके बाद क्या आता है, कंट्रोल करना, कि कंट्रोल करते हैं कि जो जो मैनेजमेंट वर्क दिया गया जिस जिस एम्प्लॉय को, वो प्रॉपरली पूरा कर रहा है कि नहीं, विथ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करना है रहता है हम लोग को। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। थैंक यू।